नमस्कार दोस्तों, सुरुचि एवं किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं की लापसी। लापसी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप इसे गुड़ के साथ बनाओगे तो यह स्वादिष्ट के साथ ही हेल्दी भी बन जाएगी। लापसी को आप किसी त्यौहार पूजा में प्रसाद के लिए बना सकते हो। राजस्थान और गुजरात में लापसी को नाश्ते में बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो आप लापसी को कभी भी बनाकर खा सकते हो। तो चलिए आज देखते हैं गेहूं की लापसी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए बनाते हैं लापसी। गेहूं की लापसी बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी गेहूं का दलिया। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान के साफ कर लिया है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का दलिया लिया है। गुड़ लेंगे एक कटोरी, इसे मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस कर सकते हो। ड्राई फ्रूट में लेंगे काजू और बादाम। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हो। काजू और बादाम के मैंने बारीक पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। सूखा नारियल लेंगे। नारियल के मैंने इसे स्लाइस करके ली है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस करके ले सकते हो। देसी घी। सबसे पहले लापसी बनाने के लिए हम पानी को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे एक कटोरी दलिया के लिए हम लेंगे 3.5 कटोरी पानी। एक बर्तन में पानी डाल देते हैं। लापसी बनाने के लिए हमें पानी को गर्म ही कर लेना है। यहाँ पे गैस पे रख देते हैं पानी को और पानी को अच्छे से उबाल आने देते हैं। 2-3 मिनट बाद पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। पानी को गैस से निकाल कर अलग रख लेते हैं। अभी एक बर्तन में 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे और उसमें डाल देते हैं 1 कटोरी गुड़। यहाँ पे गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से और गैस पे रख देते हैं और इसका पानी बना लेते हैं। इस तरह से गुड़ का पानी बनाकर लापसी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे हमारी लापसी में गुड़ बहुत ही आसानी से मिक्सअप हो जाएगा। इसे चम्मच से मिक्स करते रहेंगे और पानी बना के लेंगे। गुड़ का पानी बन रहा है तब तक हम एक कड़ाई में 5-6 चम्मच देसी घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी में गुड़ अच्छी तरह से घुल चुका है। गैस को बंद कर देंगे। हमारा गुड़ का पानी रेडी है। कड़ाई में घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम उसमें डाल देते हैं 1 कटोरी दलिया। इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे दलिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए इसे भून लेंगे। यहाँ पे घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे और 2-3 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 6-7 मिनट बाद इसे अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका है। इसमें ऐड कर देते हैं सूखा नारियल जिसके हमने स्लाइस किए हैं, बादाम, काजू जिसके हमने बारीक पीसेस कर लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट इसे भून लेते हैं इस तरह से। 1-2 मिनट बाद इसमें ऐड कर देते हैं गर्म पानी जो कि हमने गर्म करके पहले ही रखा था। यहाँ पे 3.5 कटोरी हम पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अभी थोड़ा सा पानी कम हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर रख देंगे एक ढक्कन और 1-1.5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। 1-1.5 मिनट बाद ढक्कन निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी बचा है, इसे और थोड़ा सा पका लेते हैं। यहाँ पे पानी अच्छे से सोख चुका है और दलिया अच्छे से पक चुका है। इसे हाथों पे लेके चेक कर लेते हैं दलिया पका है या नहीं। अगर ये अच्छे से दब रहा होगा तो यह दलिया पक चुका है। अगर यह पका नहीं होगा तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर इसे अच्छे से पका लीजिए। पके हुए दलिया में ऐड कर देते हैं हमारा गुड़ का पानी जो हमने स्टार्टिंग में बना के लिया है। इसे अच्छे से छान के लेंगे ताकि इसमें जो कचरा या फिर मिट्टी वगैरह होगी वो छन्नी में रह जाए। अगर वो इसमें मिक्स हो जाएगी तो वो खाने के वक्त आती है और वो अच्छी नहीं लगेगी फिर लापसी। यहाँ पे गुड़ का पानी सोखने तक इसे पका के लेंगे। यहाँ पे हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। दलिया अच्छे से पकने के बाद ही हम गुड़ का पानी ऐड करेंगे वरना हमारा दलिया अच्छे से पकेगा नहीं बाद में।
3-4 मिनट बाद ढक्कन निकाल लेते हैं। यहाँ पे लापसी अच्छे से पक चुकी है, पानी भी बिल्कुल भी नहीं है, गैस को बंद कर देंगे। लापसी के लिए हम गुड़ और दलिया सेम क्वांटिटी में लेंगे ताकि हमारी लापसी अच्छे से बन जाए। अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक कटोरी को मैंने घी लगा के लिया है। अभी ड्राई फ्रूट डाल देते हैं थोड़े से, उसके ऊपर थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे और उसमें डाल देंगे हमारी तैयार हुई लापसी। कटोरी में लापसी को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से फिल कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर एक ढक्कन को रख देंगे इस तरह से। यहाँ पे प्लेट में कटोरी को इस तरह से पलट के लेंगे और बहुत ही आसानी से ऐसे थपथपाएंगे। उसके बाद हम कटोरी को इस तरह से निकाल के लेंगे। तैयार है हमारी लापसी। अभी मैं यहाँ पे एक छोटी कटोरी में भी लापसी को भर के लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर लापसी को डाल दूँगी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। तैयार है हमारी लापसी, आप देख सकते हो यह बहुत ही सुंदर लग रही है। लापसी को मैंने इस तरह से सर्व कर लिया है। बच्चों को यह बहुत ही पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। लापसी यह रेसिपी बहुत ही आसानी बनाने के लिए और खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे कभी भी बना सकते हो। आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।